ब्लॉगर्स या मोस्ट ऑफ द एसईओ पर्संस की प्रॉब्लम ही ये होती है कि उनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा या उनके उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा। वो कीवर्ड रिसर्च करने से थक जाते हैं लेकिन उन्हें राइट कीवर्ड नहीं मिलता जिसके ऊपर वो अपना आर्टिकल लिख सके। तो इसी सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको गूगल ट्रेंड का सही तरह से इस्तेमाल कैसे कर सके, अगर आप ब्लॉगर हो तो ब्लॉगिंग में, या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट उसे रैंक करवाने में आप गूगल ट्रेंड की कैसे मदद ले सकते हैं, वही हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, गूगल ट्रेंड के बारे में A to Z रहेगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए, कैसे आप अपने वेबसाइट के वेब पेज को रैंक करवाने के लिए आप गूगल ट्रेंड की मदद ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं गूगल ट्रेंड को सबसे पहले ओपन कैसे करें। देखो गूगल के कई सारे टूल है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल क्लाउड कंसोल, ऐसे एक है गूगल ट्रेंड। ठीक है, देखते हैं गूगल ट्रेंड का हम एसईओ में कैसे यूज करेंगे। सिंपल गूगल पे लिखते हैं गूगल ट्रेंड्स, जैसे आप लिखोगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी trends.google.com, आपको इस पे आ जाना है। मैं आ चुका हूँ trends.google.com। ये गूगल ट्रेंड थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है, जो पहले गूगल ट्रेंड्स को यूज करते होंगे उन्हें थोड़ा पुराने इंटरफेस से फैमिलियर होंगे, बट ये नया इंटरफेस है। देखो गूगल ट्रेंड से आप क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं, पहले आप ये मैं बता देता हूँ। करंटली ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, आज की डेट है 10 अप्रैल 9-10 अप्रैल के आसपास क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये पता लगाने के लिए। दूसरा ईयर ऑन ईयर 2022 में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या था, 2021 में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या रहा था, ऐसा क्या टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है। जैसे कई सारे टॉपिक होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जैसे IPL एवरग्रीन है, इसके अलावा कबड्डी की कोई लीग होती है एवरग्रीन टॉपिक्स है, कुछ होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स ईयर ऑन ईयर क्या चीज ट्रेंड में रहा है, कोई ऐसी चीज, मतलब कोई भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हो आप गूगल ट्रेंड्स की मदद ले सकते हो। देखते हैं कैसे आप पता लगाओगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखो लेफ्ट साइड बार में आपको मेन मेन्यू दिख रहा है, ऊपर के चार ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लेके चलते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं ईयर इन सर्च, नीचे से स्टार्ट करते ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, ईयर इन सर्च पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ईयर इन सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो ईयर इन 2022 में सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ ये वो दिखाएगा। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, कोविन, फीफा, एशिया कप, सारे क्रिकेट की कैटेगरी सबसे ज्यादा सर्च हो रही है। शो मोर 5 पे जाओगे और दिखा देगा ब्रह्मास्त्र, ई श्रम कार्ड, ये सब चीजें ज्यादा सर्च हुई है सबसे ज्यादा। इसने कैटेगराइज कर दिया सर्चेस को भी, जैसे व्हाट इज अग्निपथ, व्हाट इज नाटो, व्हाट इज NFT, PFI, इस तरह से अलग अलग व्हाट इज के हाउ टू में कर दिया, नियर मी कोविड वैक्सीन, नियर मी स्विमिंग पूल, नियर मी वाटर पार्क, नियर मी, फिर इसने मूवीज के बेसिस पे कर दिया, न्यूज इवेंट्स के बेसिस पे कर दिया, पीपल, और यहाँ पे इन्हें रेसिपीज के, मतलब जो टॉपिक्स होते हैं उसे भी कैटेगराइज कर दिया, रेसिपी में, न्यूज में, इन का जैसे कोई पर्सन है आप पीपल नुपुर शर्मा, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, इस कैटेगरी में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, व्हाट इज हाउ टू नियर मी इसमें कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी आखिरकार 2022 में क्या ट्रेंडिंग था। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या ट्रेंडिंग था, नाटो ट्रेंडिंग है, क्या ये नाटो क्या, आप फिर गूगल पे जाकर देखो आखिरकार नाटो है क्या कि जो इतना ट्रेंडिंग रहा है। ठीक है, यहाँ पे NFT देख रहे हैं, NFT तो वैसे ही ट्रेंडिंग है, आजकल भी ट्रेंडिंग है, तो आप NFT के बारे में देखोगे। ठीक है, आप जैसे ही उस पर क्लिक कर देते हो, जैसे ही उस पर कोई भी आपको टॉपिक पे क्लिक कर देते हो, मैंने व्हाट इज NFT पे क्लिक किया तो उसका ये क्या दिखा देगा, पूरा ग्राफ दिखा देगा 2022 में ग्राफ कैसे था। 2022 के स्टार्टिंग में इसका ग्राफ बहुत ऊंचा रहा, ये देखो, और उसके धीरे 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 कम होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, ये चीज है, यहाँ पे इसके रिलेटेड टॉपिक दिखा रहे हैं, रिलेटेड क्वेरीज, NFT आर्टिस्ट, व्हाट इज TMC, NFT ब्लॉकचेन, व्हाट इज Web3, ये हर एक चीज के बारे में आपको क्या दे देगा, इनसाइट्स दे देगा। और ये ईयर ऑन ईयर इनसाइट, अभी मैं देख रहा हूँ ईयर ऑन ईयर इनसाइट कि एक साल में 2022 में आपको लग रहा है यार मुझे 2021 का डाटा चाहिए, यहाँ पे राइट साइड पे देखो 2022, यहाँ पे आ जाओ 2021, देखते 2021 में क्या ट्रेंडिंग रहा है, 2021 का क्या ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, ये देखो 2021 का क्या ट्रेंड बता रहा है, वही IPL तो एवरग्रीन टॉपिक है, टोक्यो ओलंपिक्स बिल्कुल 2021 में शायद टोक्यो ओलंपिक्स रहा होगा, इसके बाद यूरो कप, ये सारे टॉपिक्स एवरग्रीन है, यानी इससे आपको ये ऐसा पता चल रहा है IPL तो एवरग्रीन है, IPL पे तो मैं कॉन्टेंट लिखूंगा, लेकिन IPL भी 1-2 महीने ही होता है, तो उन्हीं 2 महीने जब आप IPL पे क्लिक करोगे ना, IPL पे क्लिक करोगे
आप देखोगे आईपीएल का जो मतलब जो ग्राफ है जो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है सिर्फ एक एक टाइम पीरियड में, मार्च मार्च अप्रैल में बस, और उसके बाद ये गिर गया। फिर दोबारा क्यों उठा होगा, शायद 2021 में मेरे हिसाब से दो बार आईपीएल हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे सितंबर अक्टूबर के पास फिर से ग्राफ ऊपर ऊपर दिखता गया। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब जब जब आईपीएल आ रहा है तब तक क्या हो रहा है, इसका ग्राफ ऊंचा जा रहा है। तो आप क्या करो, आईपीएल से दो महीने पहले अपने ब्लॉग की तैयारी कर दो और उसके ऊपर टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दो, क्या पता दो महीने बाद आप ही का रैंक हो जाए। ठीक है, आईपीएल का मतलब ये क्रेज है। रिलेटेड क्वेरीज देखो, आईपीएल लोग 2021 का शेड्यूल पता लगाना चाहते हो, आईपीएल 2021 लिस्ट, ये देखो जो ब्रेकआउट दिख रहा है ना, मतलब इनपे सर्चिज बहुत ज्यादा हुए, सर्चिज ब्रेकआउट मतलब सर्चिज बहुत खतरनाक। आगे जाओगे ना या नेक्स्ट करोगे और थोड़े कीवर्ड आइडिया देंगे। देवदत्त पडिकल, संजू सैमसन, इनपे आपको दिख रहा है, इन बंदों पे सर्चिज हो रही है। ठीक है, ब्रेकआउट मतलब बहुत ज्यादा सर्चिज हो गए। ठीक है, ये सारी चीज है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट बाय सब रीजन, दमन एवं द्वीप पे सो है, यहाँ पे 188, इसका क्या मतलब है ये देख लो पहले आप, 188 इसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो मैं एक बार वापस जाता हूँ, एक बार देखो 188 इससे आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, त्रिपुरा, ये यहाँ पे 100 दिख रहा है, मतलब अगर मान लो सबसे ज्यादा सर्चिस क्या होंगे, दमन में, फिर झारखंड, फिर त्रिपुरा, ये इस तरह से दिखा रहा है, जो सबसे ऊपर होगा जो 100 होगा उसपे सबसे ज्यादा सर्चिस है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मतलब इससे आप बहुत सारा आइडिया लगा सकते हो, ईयर ऑन ईयर सर्चिस। मैंने कहा है कि एवरग्रीन टॉपिक को कैसे फाइंड आउट करें, ऐसा टॉपिक जो एवरग्रीन हो, एवरग्रीन टॉपिक, आप ऐसे पे कंटेंट का तो जो एवरग्रीन हो, जो भाई चले ही चले, ऐसे नहीं है कि 2021 में ट्रेंडिंग था वो इसलिए चल गया, 2020 में नहीं चला, ऐसे एवरग्रीन टॉपिक को कैसे ढूंढे। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट 5 साल के डेटा को या 5 से 8 साल के डेटा को देखो, मतलब अभी चल रहा है 2023, ठीक है, 2015 से लेके 2023 देखो, 2015 से लेके 2023 का डाटा ध्यान से देखो, ठीक है, वहां पे आपको पता चल जाएगा ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर ईयर में आ रहा है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर ईयर में आ रहा है, हर साल में वो टॉपिक पे सब चीज बहुत खतरनाक है, उस टॉपिक को उठा लो। बट एक और चीज देखना, जैसे मैंने यहाँ पे किया था आईपीएल, ठीक है, आईपीएल आप देख रहे थे, आईपीएल सिर्फ और सिर्फ 2 महीने चलता है, 2 महीने में उसकी सर्चिंग ज्यादा है, कौन सा, मार्च अप्रैल एंड मई, इस 3 महीने में सर्चिंग है, तो ऐसा टॉपिक भी मत उठाना जिसमें सिर्फ एक साल में अगर मान लो 1 लाख सर्चिंग हो रही है, 1 लाख सर्चिंग हो रही है उसमें से 90,000 सर्चिंग तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में है, ऐसा भी टॉपिक मत उठाना, ऐसा मेरा सजेशन है। तो ऐसा टॉपिक उठाओ जो 12 महीने चलता है, जो लास्ट 7 साल में 5-7 साल में 12 के 12 महीने चल रहा है, ऐसा टॉपिक उठाओ। इसके बारे में आपको आराम से बैठ के रिसर्च करो और ऐसे टॉपिक पे अपना ब्लॉग उठाओ, जो ब्लॉग की लोग बोलते हैं ना, मुझे ब्लॉग की कैटेगरी नहीं मिल रही, मैं किसके ऊपर ब्लॉग लिखूं, तो इसी तरह से आप एवरग्रीन ब्लॉग लिख सकते हो, एवरग्रीन टॉपिक पे ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, लोग कहते हैं मुझे ब्लॉग की कैटेगरी नहीं मिल रही, मैं किसके ऊपर ब्लॉग लिखूं, तो इसके ऊपर आप ब्लॉग काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कौन सा ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा चल रहा है, मैं कहूंगा हमेशा ऐसा टॉपिक पकड़ो जो एवरग्रीन हो, हमेशा चल ही रहा है। ठीक है, चलिए ऐसा टॉपिक पकड़ो और उसके ऊपर अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। एक तो ये हो गया एवरग्रीन टॉपिक फाइंड आउट करने का। दूसरा, कई लोग ये भी बोलते हैं यार एवरग्रीन तो सही है बट मैं तो सिंपल ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर करूंगा, मैं तो सिंपल जो ट्रेंड चल रहा है, क्या मुझे एवरग्रीन से मतलब नहीं है, मैं तो ट्रेंडिंग उठाऊंगा, मैं तो जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, मान लो आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है कबड्डी की लीग चल रही है, मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, आज मान लो कोई बॉलीवुड में कोई चीज आई है मैं उस पर डाल दूंगा, टेक में कोई चीज आई, आईफोन ने नया लॉन्च किया मैं उस पर डाल दूंगा। लोग कहते हैं भाई मैं तो ट्रेंडिंग के ऊपर खेलूंगा, ठीक है, तो देखो ट्रेंडिंग पे भी कैसे खेल सकते हो, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाओ, ठीक है, 3 डॉट्स पे जाओ, यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेंडिंग नाउ, रिसेंटली क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, रिसेंट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये वो चीज बताएगा रिसेंट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। अब देखो क्या, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल, ये तो आज का डाटा है, आज का डाटा एग्जैक्टली मतलब आज 10 अप्रैल है और ये दिखा रहा है 10 अप्रैल 2023। मैं आज के डाटा पे बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे होता है, गूगल को भी समझने में थोड़ा टाइम लगता है मेरे हिसाब से, तो आज के डाटा पे जाते मैं जाऊंगा 9 अप्रैल के डाटा को। देखो 9 अप्रैल क्या चल रहा है, जीटी वर्सेस गुजरात का मैच हुआ था केकेआर से, वो दिखा रहा है इस पे 2 मिलियन सर्चेज मिले, क्यों मैच हुआ था, पीकेबीएस मतलब पंजाब का शायद हैदराबाद के साथ मैच था, तो इसलिए यहाँ पे 1 मिलियन सर्चेज दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो 1 मिलियन सर्चेज दिखा रहा है,
तो यहाँ पे देखो नाइस पीएसजी लिवरपूल, मतलब सारे क्रिकेट के ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्रिकेट के ही आपको दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट वगैरह के मैच चल रहे थे इसलिए इनके सर्चेज ज्यादा है। यहाँ पे कोई अजीबोगरीब देखो इस पे सिर्फ 10,000 है, सचिन पायलट बिल्कुल 10,000 है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगी ऐसी क्या चीज है जो 9 अप्रैल को ट्रेंडिंग में थी। चलो सचिन पायलट पे देखते हैं, सचिन पायलट पे ऐसा क्या चीज है, गूगल पे जाके सर्च करके देखते हैं सचिन पायलट क्या, सचिन पायलट को सर्च करते हैं। ये देखो सचिन पायलट क्या था, आखिरकार कुछ ना कुछ हुआ था, पोल्स नियर सचिन पायलट, यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब ट्रेंडिंग चल रहा था सचिन पायलट के बारे में, ठीक है। तो इसलिए ये आ गया गूगल पे। तो मतलब जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होगा आप कहाँ से पता लगाओगे, गूगल ट्रेंड से आप पता लगा लोगे जो भी होगा, ठीक है। सचिन पायलट शासन के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार पर कुछ ऐसा होगा, इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया और वो ट्रेंडिंग बन गया और आ गया वो ट्रेंडिंग, सिंपल सी बात है। तो मतलब जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है आप कहां से पता लगाओ, गूगल ट्रेंड से पता, आपको पता लगने लग गया यार ये टॉपिक निकल रहा है, ये टॉपिक आगे निकल रहा है तो चलो इस पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डेली सर्च ट्रेंड। अब यहाँ पे देखो रियल टाइम सर्च ट्रेंड, देख रहे हो रियल टाइम सर्च ट्रेंड, यहाँ पे जाओ और रियल टाइम में जो भी चल रहा है ना, रियल टाइम में लास्ट के 24 घंटे में जिसकी भी सबसे ज्यादा ऊपर गया, जो ज्यादा एकदम से सर्चिंग उठी है उसके बारे में दिखा देगा। इसके बारे में कोई मैच हो रहा होगा शायद इसलिए वो दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो कैसे इसका ट्रेंड ग्राफ पड़ा एकदम एकदम, क्यों मेरे साथ जो मैच का टाइम होगा उस टाइम मैच आ रहा होगा तो इसलिए लोग हॉटस्टार वगैरह पे या जियो सिनेमा पे सर्च करने लगे होंगे कि मुझे देखना है, तो इसलिए सर्चिंग बढ़ेगी, ठीक है। ये देखो इलोन मस्क ट्विटर, इलोन मस्क ने कुछ बोल दिया होगा तो वो आ गए, वो बन गई खबर इसकी, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाओ और अपना आर्टिकल डाल दो। वेब स्टोरी लोग जो वेब स्टोरीज वायरल होती है ना, जो स्टोरीज वायरल होती है अगर उनके भी आपको टॉपिक्स देखने हैं तो यहाँ से देखो स्टोरीज वायरल। लोग बोलते हैं मैं किसके ऊपर स्टोरीज बनाऊ, किस टॉपिक के ऊपर वेब स्टोरी बनाओ, स्टोरी बनाओ हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर स्टोरी बनाओ, वो वायरल होनी ही होनी है, ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक उठाओगे जिसके ऊपर सर्चिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वो वायरल होने के चांसेस कम है। तो वेब स्टोरी फाइंड आउट करना, तो उसके लिए गूगल ट्रेंड्स की मदद लो। मैंने एक बार, मैं आपको बताता हूँ, एक बार पीछे मैंने स्टोरी डाल दी थी ऐसे गूगल ट्रेंड में रेंडमली लेके मैंने क्या किया था, रेंडमली कोई एक कीवर्ड लिया था और उस पर वेब स्टोरी डाल दी थी, एकदम विद इन आप कहोगे 5 घंटे में उसके 10,000 क्लिक्स रिसीव हो गए, 10,000 क्लिक्स और मोर देन 5 लाख इंप्रेशंस। तो गूगल ट्रेंड की मदद से आप ये कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, गूगल ट्रेंड की मदद से। तो गूगल ट्रेंड वेब स्टोरीज के टॉपिक फाइंड आउट करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है जो इंडिया में चल रहा है, इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। आपको लग रहा है मैं या तो यार यूएसए के लिए मैं ब्लॉगिंग करूंगा, यूएसए के लिए मेरा क्लाइंट है तो मैं यूएसए के लिए करूंगा, यहाँ से कंट्री यूएसए सेलेक्ट कर दो, जो भी कंट्री है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता चलने के, और चलते हैं एक्सप्लोर पे जाने के बाद यहाँ पे कोई अपनी सर्च टर्म लिखो। आपको है यार मैं ब्लॉग लिखूंगा किसके ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ब्लॉग लिखूंगा, लिखो क्रिप्टो करेंसी, मैं ब्लॉग लिखूंगा क्रिप्टो करेंसी, बहुत अच्छी बात है, क्रिप्टो करेंसी पे लिख लो भाई ब्लॉग, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मैं ब्लॉग लिखूंगा, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इंडिया में मैं इंडिया के लिए ब्लॉगिंग करूंगा, लास्ट 12 महीने का डेटा चाहिए, ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे आप कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हो, आर्ट्स एंड में आता है आपका, ब्यूटी एंड फिटनेस यहाँ से बताना, मैं ऑल कर रहा हूँ, ठीक है। और वेब सर्च, बिल्कुल वेब सर्च, क्योंकि यहाँ पे होता है आपने देखा होगा YouTube सर्च होता है, गूगल सर्च होता है, न्यूज सर्च होता है, मतलब यहाँ पे अलग अलग जो टैब्स होते हैं ना, इमेज न्यूज ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा वेब सर्च, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा वेब सर्च। और नीचे देखो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहा है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहा है, ये वो चीज दिखाएगा। मैं एक काम कर देता हूँ, लास्ट 12 महीने है ना, मैं करता हूँ 5 सालों में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेंड को मैं देखूंगा, कब ये ऊपर गया कब ये नीचे गया। देखो लास्ट 5 ईयर्स में देखो 2018 में ज्यादा कोई एक्टिविटीज नहीं थी, कब उठा ये, इस टाइम पे उठा एकदम जैन 2021, और यहाँ पे सबसे ज्यादा उठा ये कब, सबसे ज्यादा उठा 9 मई से 15। अब इसका लोग पूछेंगे कारण क्यों है, ठीक है, मैं कारण आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उस टाइम से मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट शायद क्रैश हुआ था, मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, क्रिप्टो मार्केट इसी के टाइम कुछ क्रैश हुआ था, तो ये वो चीज है। तो इसीलिए लोग देखने लगे होंगे यार आखिरकार क्यों क्रैश हुआ, तो इसीलिए मतलब
एकदम कुछ एक दो कुछ मतलब 10-12 दिनों में सर्चिंग देखो कितने भयंकर तरीके से बढ़ गया है। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे उठ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक मारा था शायद बिटकॉइन ने इस बीच, तो इसलिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हो गया। तो इससे आपको बहुत बहुत आइडिया, फिर नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है। तो यानी कि आपको इससे बहुत आइडिया मिल रहा है। फिर ये देखो शिबाइनू कॉइन सब लोग जानते हैं, ब्रेकआउट हो गया है। इसके अलावा अलग अलग पाई नेटवर्क हो गया, पॉलीगन हो गया, मैटिक अपना है। तो मतलब आपको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं। टॉपिक्स क्वेरीज, क्वेरीज क्या है, लोग सर्च कर रहे हैं शिबाइनू के बारे में, शिबाइनू। अगर और सर्च करोगे डोज कॉइन भी आपको कहीं दिख जाएगा, कॉइन डीसीए, कॉइन स्विच, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, उसके बारे में अगर आपको कोई मतलब कुछ कुछ चीज निकालना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। थोड़ा मैं नैरो डाउन करता हूँ, या फिर लगा लो और डीप जाते हैं, चलो लास्ट 7 डेज के अंदर जाते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत बड़ा कीवर्ड है, कोई हम छोटा कीवर्ड लेते हैं। छोटा कीवर्ड फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई छोटा कीवर्ड, कोई भी लगा लो, हेल्पिंग कंटेंट। एक अपडेट आई थी अभी, तो वैसे कोई ज्यादा सर्चिंग नहीं होगी हेल्पिंग कंटेंट में, अभी यही ध्यान में है तो इसको देख लेते हैं। हेल्पिंग कंटेंट एक एसईओ की अपडेट थी, ठीक है। एसईओ की अपडेट थी, लास्ट 7 डेज में क्या कोई ट्रेंड है? नहीं, कोई ट्रेंड ही नहीं है, ठीक है। एसईओ का देखते हैं, एसईओ में क्या चल रहा है लास्ट 7 डेज में, एसईओ में लास्ट 7 डेज में क्या चल रहा है देखते हैं। नॉर्मल सा ट्रेंड ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और नहीं, ये एसईओ से पकड़ा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं सिंपल सा ऐसा लिखता हूँ, जब मैंने सर्च किया उसके बाद देखते हैं क्या ये मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। अभी भी व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग ये सब दिखा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कंसोल, नॉर्मल से कीवर्ड इसने मुझे दिखाया है, ठीक है। तो मतलब कोई भी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक मिलता है ना, आप उसके बारे में यहाँ पे सर्च, स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक, और उसके बारे में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके रिलेटेड क्वेरीज क्या है, ठीक है। मेन चीज मैं आपको बताता हूँ गूगल ट्रेंड का किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले लिखो ट्रेंडिंग टॉपिक, फाइंड आउट करने में मैंने आपको बताया ट्रेंडिंग टॉपिक लास्ट 7 डेज आपको ये देखना है, या फिर आपको देखना है एवरग्रीन कॉन्टेंट, ऐसा क्या टॉपिक है जिसके ऊपर एवरग्रीन कॉन्टेंट मैं लिख सकूं, इस ऐसे के ऊपर मैं ब्लॉगिंग करना चाहूँ तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप? उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, लास्ट 5 से लेके 8 साल का देखो, हर एक साल का देखो, और ऐसा टॉपिक फाइंड आउट करो जो जो सब में कॉमन हो, और फिर ये चीज देखो क्या वो 12 के 12 महीने ट्रेंड में, जैसे आईपीएल तो 3 महीने ट्रेंडिंग में है बस, क्या वो 12 के 12 महीने ट्रेंडिंग है? फिर ऐसे टॉपिक को फाइंड आउट करो, ठीक है। ये हो गया एवरग्रीन कॉन्टेंट। आपको चाहिए वेब स्टोरी के लिए कॉन्टेंट, तो ट्रेंडिंग टॉपिक के उठाओ, ट्रेंडिंग कॉन्टेंट को उठाओ, सबसे बढ़िया चीज है। आपको चाहिए एक स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है, तो जाओ एक्सप्लोर पे और यहाँ पे जाके डालो, ठीक है। यहाँ पे जाके डालो और देखो आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, क्या क्या चीजें मिल रही है, ठीक है। और लास्ट 7 डेज कर दो, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो वेब डेवलपमेंट है, यहाँ पे जाके सिंपल एक काम करो, कॉपी कर लो और देखो वेब डेवलपमेंट का क्या करेज है। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट मैंने सर्च किया, ठीक है, वेब डेवलप, अब स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट का है, मैंने वहीं पे वेब डेवलपमेंट पे क्लिक किया था। स्पेसिफिक इसके अंदर जो भी ट्रेंड होगा ना, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो भी ट्रेंड होगा ये वो दिखा रहा है। वेब डेवलपमेंट कोर्सेज इन जयपुर, पता नहीं ये कैसे ट्रेंडिंग आ गया, जयपुर कैसे ट्रेंडिंग आ गया, आप ये चीज देखो। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, डिजाइन इश्यूज इन वेब डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया एकदम। देखो आप वेब डेवलपमेंट क्लासेस नियर मी, ये भी हो गया। वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम, ये आ गया। देखो अलग अलग चीज आपको बहुत सारे आइडिया मिल रहे हैं। जैसे इस टॉपिक को लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को गूगल पे रियल टाइम पे सर्च करते हैं, इस टॉपिक को गूगल पे रियल टाइम पे सर्च करते हैं, वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम, पता नहीं लोग इतने ज्यादा क्यों सर्च कर रहे हैं। एक काम करते, कितने रिजल्ट है इस पे, 16,000 इतने रिजल्ट है, 16 लाख। हम इस पे इग्नोर करते हैं, सिंपल डबल कोटेशन लगा दो, आगे पीछे डबल कोटेशन लगा दो, सर्च करो और देखो कितने रिजल्ट है, मात्र 15 रिजल्ट, डबल कोट्स लगा दो और मात्र इस पे कितने लोगों ने आर्टिकल वेबसाइट बनाई हुई है, कितने लोग का वेब पेज आ रहा है, 15 लोगों का, मात्र 15 लोगों का। क्या आप इस टॉपिक पे लिख नहीं सकते अपना कंटेंट आराम से लिख के, आप विद इन अ वन मंथ आप इस पे टॉप पेज पे आ सकते हो। तो आप यहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करो और देखते हैं वेब डेवलपमेंट, और देख लेते हैं वेब डेवलपमेंट के अलावा भी कोई ऐसा टॉपिक हो, जैसे जयपुर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था, पता नहीं जयपुर में ऐसा क्या होगा, जयपुर डिजाइन इश्यूज इन वेब डेवलपमेंट, देखते हैं
सर्च करते हैं गूगल पे, कितने रिजल्ट है, करोड़ों में रिजल्ट है, करोड़ों में रिजल्ट है। आप देखते हैं डबल कोट्स लगा दो आगे पीछे, डबल कोट्स लगा दो आगे पीछे और देखो इसके कितने रिजल्ट है, मात्र 11 रिजल्ट है, मात्र 11 रिजल्ट है। तो आराम से आप यहाँ पे आ सकते हो, आराम से आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब 11 पेजेस है जो इस कीवर्ड के ऊपर लड़ाई कर रही है, और इसका आपने देख लिया ब्रेक इवन हो रहा है, बिल्कुल ब्रेक इवन हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्चिंग है। तो ऐसे आप टॉपिक से आइडिया ले सकते हो, रियल टाइम में सर्च करो और देखो कितने लोगों ने उसके ऊपर क्या डाला है, कितने लोग का वेब पेज है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका हम किस तरह, हम गूगल ट्रेंड का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एवरग्रीन टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए, और किसके लिए, किसके लिए, वेब स्टोरीज के लिए भी हम इसका बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड को हो सके नए इंटरफेस के साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, कई लोग पुराने के साथ ही फैमिलियर है, ज्यादा इसमें कुछ अलग है, होम पे नॉर्मल होम ही है, यही तीन ऑप्शन आपके काम के, एक्सप्लोर, ट्रेंडिंग एंड ईयर इन ईयर, बस यहाँ पे बस ये देख लेना आप किस लोकेशन का कर रहे हो और किस टाइम पीरियड के दौरान कर रहे हो। कई बार लोग देखना चाहते हैं लास्ट 7 days का और देख रहे हैं लास्ट के 12 महीने का, थोड़ा यहाँ पे देख लेना आप डेटा कौन से टाइम का देख रहे हो, डेटा कौन से टाइम का देख रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया, गूगल ट्रेंड के हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।